नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे कंप्यूटर एजुकेशन का एंड इंडस्ट्री है कंप्यूटर्स एजुकेशन का। ये जो स्टॉक का मार्केट कैप यहाँ पे चल रहा है 222 करोड़ के आसपास, जो कि छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 125 करोड़ का, जो कि मार्केट कैप का लगभग 50% है। अगर स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे 27.8 के आसपास है एंड इसका बुक वैल्यू है 17.8, तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 1.65 के आसपास एंड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 71.5% जो कि पॉजिटिव साइन है एंड स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी के नीचे चल रहा है। अगर अभी हम यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड दोनों यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 71.5% के आसपास जो कि पॉजिटिव साइन है। FIDI के पास माल नहीं है एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 28.6%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अराउंड 5%। तो टोटल जो पब्लिक के पास यहाँ पे माल है 28 माइनस यहाँ पे जो बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं पब्लिक कैटेगरी में 5%, तो हमारे जैसा जो रिटेल पब्लिक है यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 23% के आसपास, जो कि मैनेजेबल से ऊपर है क्योंकि किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप वहाँ पर रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं। इस स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे 23% के आसपास है, इसलिए आप यहाँ पे रेड फ्लैग कैटेगरी में ले सकते हैं। लेकिन जिस टाइप का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है कॉम्पोकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। पहले अभी हम मंथली में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीकली में जाकर कवर करेंगे कि किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है, ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा फ्लैट चैनल। क्लियर कर देखिए, प्राइस जो यहाँ पे टॉप बना था 2013 में, उसके बाद एक फ्लैट चैनल के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था जो कि लगभग यहाँ पे 10 ईयर्स का कंसोलिडेशन था। फाइनली देखिए प्राइस यहाँ पे जो मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन जोन था उसको यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अभी फिर से अप मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो क्लियर कर देखिए, मंथली टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखिए प्राइस यहाँ पे बना रहा है एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न एंड जिस टाइप का यहाँ पे पैटर्न शो कर रहा है एंड जिस टाइप का रेंज को प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। इसी केस में आपका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग लो इन वीकली चार्ट के ऊपर। देखिए चार्ट ओपन हुआ है वीकली, इसलिए जो प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे आपका SL को प्लेस कर सकते हैं। हमेशा से आपका क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा एंड यहाँ पे जो हाई बना है 41, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस जाकर इस लेवल को टेस्ट करेगा एंड उसको ब्रेक करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम में आपको फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी हम फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करेंगे। इनिशियली 41 का टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पे 51 का, थर्ड टारगेट 81, 51 एंड 81, इस तीनों टारगेट को जाकर प्राइस टेस्ट कर सकता है जिस टाइप का सेटअप यहाँ पे शो कर रहा है एंड वीकली टाइम फ्रेम में जो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे आप वहाँ पे एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ अगर अभी हम रैशियो चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर वर्सेस निफ्टी 500 का रैशियो चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो रैशियो चार्ट में भी यहाँ पे अभी हमको आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए रैशियो चार्ट जो प्रीवियसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था, ऑलरेडी उसी चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है 2 ईयर्स पहले। अभी देखिए यहाँ पे एक बार वीकली टाइम फ्रेम में अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे देखिए रैशियो चार्ट एक रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन हो रहा था एंड फाइनली प्राइस आज यहाँ पे उसी रेंज को ब्रेक कर दिया है एंड जिस टाइप का चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है एंड जिस टाइप का अर्निंग्स में जंप देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में जंप
बम्प देखने को मिल रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर में स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, सारा पैरामीटर देखेंगे, हाई प्रोबेबल है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड आपका एनालिसिस को ऐड कीजिएगा एंड आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, उसके बाद जाकर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का छोटा स्टॉक हाई रिस्क कभी भी अपर सर्किट लग सकता है एंड कभी लगातार लोअर सर्किट भी लग सकता है। इसलिए आपका क्वांटिटी एंड रिस्क एंड खुद का एनालिसिस को भी ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।